हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कल 18 सितंबर को हम कौन से स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन कर दिया है, निफ्टी बैंक निफ्टी देखेंगे कि निफ्टी के कौन से लेवल से ऊपर आपको बाय का ट्रेड लेना चाहिए और कहां से आपको सेल का ट्रेड लेना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रह सकते हैं कल के इंट्राडे के लिए। दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा तभी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी और तीन स्टॉक्स का एनालिसिस करके दे रहा हूं कल के लिए, और ये स्टॉक्स आपके बहुत काम आ सकते हैं, इनके इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट सकती है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की आज की क्लोजिंग रही 11519, एक रेंज बाउंड ट्रेड रहा। दोस्तों पूरे दिन निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 550 के आसपास ही घूमती दिखाई दी। आखिरी के एक घंटे में निफ्टी गिरी है, ठीक है, जो 550 के आसपास का पूरे दिन ये लेवल मेंटेन करके रखा था बैंक निफ्टी ने, 556 के आसपास का जो बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वहां से निफ्टी उसको फेल किया है और नीचे की तरफ निफ्टी चलने लगी। अब नीचे की तरफ निफ्टी चली है तो नीचे के कौन से लेवल होंगे, चलिए वॉच करते हैं, ध्यान दीजिएगा और इन लेवल्स को ध्यान से स्टडी कीजिएगा अपनी स्टडी एनालिसिस के साथ में, क्योंकि ये लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो उसके बाद निफ्टी का एक डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। चलिए चलते हैं अपने ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के पास में, पहले लेवल निकाल के देखते हैं कि लेवल निकलते क्या है। ये मेरा स्टाइल है दोस्तों काम करने का, और आज की जो क्लोजिंग है 11519 की क्लोजिंग हम पकड़ के चल रहे हैं। तो अब यहां से जो लेवल है दोस्तों, मेजर लेवल था 556 का, जो लाइव सेशंस में डेली आ रहे हैं उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं, और 11556 वाज अ वेरी वेरी क्रूशियल लेवल टू क्रॉस। अगर वो क्रॉस होता तो 664 का रेजिस्टेंस था, वो नहीं पार हुआ, 556 के आसपास पूरे दिन निफ्टी घूमने की कोशिश की और वहां से गिर गई। 449 का एक लेवल रहेगा टू वॉच आउट फॉर, अगर 449 टूटता है ब्रेक करता है तो निफ्टी कैन इजीली स्लाइड टू 340 लेवल्स अगेन। तो ये लेवल्स रहेंगे कल के इंट्राडे में, अगर बाइंग करनी भी है तो इंट्राडे की बाइंग भी बनेगी 11536 से ऊपर ही बाइंग बनेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 11501 का इंट्राडे के लिए, 11501 मेजर सपोर्ट, छोटा सा सपोर्ट रहेगा दोस्तों जो टूट सकता है, खुलते ही ओपनिंग में भी टूट सकता है। तो 11500 से नीचे निफ्टी चलती है तो सेल का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 11536, फर्स्ट टारगेट विल बी 11447, दिस इज अ टारगेट 3 व्हिच विल बी बिलो 11449 ब्रेकडाउन लेवल। जैसे ही ये लेवल टूटेगा निफ्टी विल फॉल टू 400 लेवल 376, मतलब ये फर्स्ट टारगेट के आसपास निफ्टी आ जाएगी। तो ध्यान से काम कीजिएगा दोस्तों ये निफ्टी के लेवल से। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी क्या कहती है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी किस रेंज में ट्रेड हुई है। अगर हम अपने ये देखने की कोशिश करें कि पूरे दिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहां से क्लियर हो जाएगा अपने को। चलो एक छोटा सा एक रेंज अपने को दिखाई दे रहा है जो बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रही दोस्तों। ये एक रेंज है, ये बहुत छोटी सी नैरो रेंज है दोस्तों, ठीक है, ये इंट्राडे में भी यही रेंज है और अगर पीछे की तरफ देखेंगे तब भी निफ्टी इसी रेंज को फॉलो करती दिखाई दे, बैंक निफ्टी इस रेंज को फॉलो करती दिखाई दे रही है। नीचे में 22390 और ऊपर में 22500, तो मुझे अगर डिसाइसिव ट्रेड लेना है तो या तो मैं 22500 से ऊपर बाय करूंगा या 22390 मतलब 22400 से नीचे सेल करूंगा। ये एक रेंज में बैंक निफ्टी चल रही है, इसका कोई डिसीजन क्लियर नहीं हो रहा है। तो अगर आज ही मैं क्लोजिंग को पकड़ू कि बैंक निफ्टी क्लोजिंग आज की जो है 22390 की क्लोजिंग है, तो हम अगर अपने कैलकुलेटर से पूछने की कोशिश करें कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, अनमैच लेवल है, अनमैच लेवल देखिए वही 22500 का ही डिसाइसिव ब्रेकआउट है, उसके ऊपर ही ब्रेकआउट आएगा, उससे पहले कोई ब्रेकआउट नहीं आएगा। वहां निफ्टी बैंक निफ्टी फेल कर रही है बार बार 22350 पे नीचे में और 22201 तक, यहां तक आराम से बैंक निफ्टी स्लाइड कर सकती है अगर 22500 को तोड़ती है तो 22000 का नेक्स्ट पड़ा होगा दोस्तों। इन सभी लेवल्स को आप नोट कर लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है। और अब हम बात करने वाले हैं आज के टॉप शेयर की, जो आज का सबसे टॉप शेयर था उसके ऊपर हम कल भी नजर बना के रखेंगे, डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी कितना आज इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है मोटा मोटा का देखें तो टॉप गेनर फॉर द डे रहा, 4% इंक्रीज हुआ, 4823 की क्लोजिंग हुई, 4823 के आसपास की क्लोजिंग है। तो अगर हम देखने की कोशिश करें कि डॉक्टर रेड्डी की चाल कैसे दिखाई दे रही है, एक अच्छा खासा पैटर्न देखिए, ये कंसोलिडेशन था यहाँ पे, लोगों को समझ में आना चाहिए, ये एक प्रॉपर कंसोलिडेशन था डॉक्टर रेड्डी का जो इसने आज यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है। ये ब्रेक, ये लेवल यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट था, इस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया, दिस लेवल वॉज 4469 और करंट है 4822, तो 4469 से हम डॉक्टर रेड्डी के लेवल अगर क्या निकाल के चल रहे थे, देखिए 4469 सेकंड टारगेट हमारा नीचे की तरफ से, जब बॉटम की तरफ से अगर आप लाइव सेशंस देख रहे होते आपको समझ में आता कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ स्विंग टारगेट्स जो मेरे कैलकुलेटर में आते हैं, यहाँ से जब नीचे से स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगता है दोस्तों, इसमें पूरी स्टडी डाली हुई है, इस पर डाउट करने की कोशिश मत कीजिए, आप लाइव सेशंस देखिए पता लग जाएगा। 4489 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला है और जब यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है 4624, तो मैं आराम से ट्रेड लेने वाला हूँ 4692, 4761, 4830 के लिए। आज का हाई क्या है दोस्तों, 4830 मतलब 4844 इज द हाई, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, 4822 4823 की क्लोजिंग है और 4830 का एग्जैक्ट हाई है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एग्जैक्ट हाई यहां तक जाना चाहिए। अब यहां पे क्या निकल के आता है यहां के लिए हम इसको, क्योंकि अभी इसमें प्राइस एग्जैक्ट नहीं डाले हैं हमने, आज की क्लोजिंग नहीं डाली हमने, बहुत जल्दी एनालिसिस कर रहा हूं आपके लिए,
4823 पकड़ लेते हैं। अब लेवल एनालिसिस क्या निकल के आता है दोस्तों, 4761 एक क्रुशियल लेवल हो गया इसका, इसके नीचे ही ये वीक होगा, उससे नीचे वीक नहीं होगा। और यहाँ पे जो इंट्राडे में कल बाइंग करने वाले हैं आप 4834 से ऊपर बाई करें, स्टॉप लॉस रहेगा 4811 का। फर्स्ट टारगेट विल बी 4869 और 4869 को क्रॉस करता है देन इट विल सरपास एंड सरप्राइज यू विद द टारगेट ऑफ 4900 4900 भी जा सकता है, बट स्टॉप लॉस रहेगा 4811। अगर इंट्राडे में टूटता है तो इट कैन स्लाइड टू ईजिली 4776 एंड फर्दर इट कैन गो टू 4730, बिल्कुल वही लेवल आ जाएंगे आपको जो काम करने वाले लेवल पहले हमने देखे हैं। तो यहाँ पे जो डिसाइसिव लेवल रहेगा बाय अबव 4834 रहेगा, और इस रेंज से ऊपर मैं बाइंग का ट्रेड लेने वाला हूँ और 4811 से नीचे मैं सेल का ट्रेड लेने वाला हूँ डॉक्टर रेड्डी में। नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं दोस्तों कि कौन सा स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक जी लिमिटेड आज 2% तेज रहा, इसको अगर देखने की कोशिश करें कल, अगर हमें जी लिमिटेड में कल ट्रेड लेना है तो जी लिमिटेड का चार्ट क्या कहता है, उसको चार्ट को लगा लेते पहले। जी ने क्या किया, जी ने भी जी एक टाइट रेंज में फंसा हुआ है दोस्तों, इसको भी देखिए रेंज बाउंड ट्रेड में जी लिमिटेड काम करता हुआ, ये एक रेंज में फंसा हुआ है, देखिए ये एक रेंज है, क्लियर रेंज है दोस्तों, ये रेंज है। जब तक वो इस रेंज को क्रॉस नहीं करता या तो नीचे की तरफ ब्रेक दे 214 नीचे टूटे 214 से नीचे ब्रेक करे तो मैं सेल का ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा फॉर ए टारगेट ऑफ 197 या वो 224 से ऊपर चलने की कोशिश करे। आज की क्लोजिंग जो जी लिमिटेड की 221 की है और जी लिमिटेड के हमारे जो टारगेट्स अब जो बन के आ रहे हैं वो देख लेते हैं। जी लिमिटेड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस रखिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली आपको मिले, डेली आपके लिए कुछ ना कुछ स्टॉक एनालिसिस करके लेके आएंगे। और 225 से ऊपर में ब्रेकआउट है गाइस, मैं आपको क्या करूँगा, या तो 224 से ऊपर बाय करूंगा या मैं 215 से नीचे सेल करूंगा। तो 224 से ऊपर बाय है, यहाँ पे इंट्राडे वाले जो बाय करना चाहते हैं 218 से ऊपर अपना बाय ट्रेड ले सकते हैं, 213 का स्टॉप लॉस रहेगा। और गाइस ये सारी मेरी अपनी एनालिसिस है, मेरी अपनी स्टडी है, मेरी अपनी मेहनत है, तो अपनी एनालिसिस कर लें ट्रेड लेने से पहले। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट लॉस आउट ऑफ दीज ट्रेड्स। सो वंस इट क्रॉसेस 225 इट विल इजिली टच 240 एंड 256 इजिली, 225 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा गाइस, ब्रेकआउट के प्राइसेस को ध्यान दीजिए। द लास्ट स्टॉक विच आई वुड प्रेफर टू ट्रेड टुमारो इज गाइस, नेक्स्ट स्टॉक जो मैं कल लेने वाला हूँ वो रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर नजर बना के रखूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से उसने 2204 का एक अच्छा खासा सपोर्ट तोड़ दिया है जो हमने आज के लाइव सेशन में भी डिस्कस किया था, और ये इसके नीचे बंद हुआ है, ये देखिए ये 2304 से नीचे बंद हुआ है और मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक सी इसने सेल ट्रिगर दे दी है और ये मेरा लेवल था गाइस, ये टूट गया है, ठीक है। ये हमने इंट्राडे में लाइव सेशन में बात भी की थी कि रिलायंस एक हायर हाई पैटर्न बना रहा था और आरएसआई एक लोअर पैटर्न बना रही थी, तो आरएसआई में डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा था बहुत क्लियरली, यहाँ से यहाँ एक डाइवर्जेंस था और आरएसआई की वीकनेस भी हमको सपोर्ट दे रही थी कि रिलायंस गिरना चाहिए। रिलायंस 2304 का मेजर सपोर्ट लेके चल रहा है, तो यहाँ से अगर 2304 का मेजर सपोर्ट रिलायंस ने अगर लेना है तो रिलायंस के लेवल हम पूछें, रिलायंस की खेल भी वही देखिए 2304 का ब्रेकडाउन हो गया गाइस, 2304 से नीचे में 2256 का पहला टारगेट है और सेकंड टारगेट 2209 का है, 2209 तक निकल सकता है आसानी से। अब यहाँ पे जो भी इंट्राडे वाले हैं 2316 ये आज का था, आज की क्लोजिंग 2298 की है और ये कल हम 2290 से नीचे सेल का ट्रेड लेने वाले हैं, तो 2290 का सपोर्ट रहेगा इंट्राडे के लिए, बहुत ही मेजर सपोर्ट रहेगा। 2290 जैसे ब्रेक होगा और इजिली 2266 एंड 2235 ये टारगेट्स आ सकते हैं दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस डेली आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा। 2:30 बजे दिन में हम लाइव सेशंस करेंगे, 2:30 बजे के बाद जब मार्केट बंद होगी, मार्केट बंद होने के साथ ही आपके लिए 2 या 3 स्टॉक फाइंड आउट करेंगे कल के लिए, निफ्टी के लेवल देखेंगे, बैंक निफ्टी के लेवल देखेंगे और कम से कम 2 या 3 स्टॉक जो कल के दिन वॉच आउट करने हैं। आई होप गाइस यू विल लाइक दिस वीडियो सीरीज, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।